ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जनचुनगी। जैसा कि विगत सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जन चर्चाओं में और सुर्खियों में बना हुआ है तालबेट क्षेत्र का एक प्रकरण, जहां अध्यापिका के ऊपर चांटा मारने का आरोप है और बालिका की आंख खराब होने का भी आरोप है, जिसको लेकर बालिका की मां ने धरना प्रदर्शन किया और प्रशासन संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दायर भी हुआ। लेकिन सांस को आँच नहीं, इस शब्द को लेकर पूरा अध्यापक समुदाय, शिक्षक समुदाय एक लामबंद होते हुए संगठन के माध्यम से जिलाधिकारी से मिले और उन्हें आप बीती घटना के क्रम में सुनाया और उस आरोपों को निराधार बताते हुए पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करने के लिए अनुरोध किया। उसी के संदर्भ में मैं संगठन के रवि कांत से बात कर रहा हूँ, जिलाध्यक्ष हैं, कि ये मामला क्या प्रकरण है, क्या चल रहा है आजकल। मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिलाध्यक्ष रवि कांत आमरकर। ये सर 2018 में इस महिला ने एक अन्य अध्यापिका पूनम पुरोहित उसके खिलाफ FIR की थी कि मेरी बच्ची को चांटा मारा, आंख रोशनी चली गई। उसके बाद उस मैटर को शांत हुआ, उसने फिर वही आरोप संगीता आरती गुप्ता पर लगाया। 2018 की बात है, तब ये मैटर शांत हुआ। फिर 2019 से फिर यही आरोप लगाया, जिस पर प्रशासन ने झांसी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की 2 सदस्यीय टीम से क्रॉस जाँच कराई और उस जांच में बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उसके बाद मैटर शांत हो गया। अभी 2021-20 में, दिसंबर 2020 में, इस महिला ने फिर FIR की, झूठी शिकायत की कि मेरी बच्ची की आंख खराब हो गई है। तब प्रशासन ने 1 दिसंबर 2021 को उस बच्ची की मेडिकल जांच कराई, जिसमें कार्निया लेंस, आँख पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसके बाद ये धरनी पर 8 दिन से बैठी हुई है और टोटली झूठी शिकायत पर उस महिला अभिभावक ने हमारी निर्दोष शिक्षिका के खिलाफ FIR दर्ज कराई और पुलिस प्रशासन ने हमारी शिक्षिका की एक बात नहीं सुनी और शिक्षा के विरुद्ध FIR कर दी। सुनने में आया है कि बालिका उस दिन अनुपस्थित भी थी क्या जी? उस दिन 13 अगस्त 2018 की घटना बतला रही है, उस दिन ये बच्ची विद्यालय में अनुपस्थित थी और अनुपस्थित की बात ये कह रही कि 13 तारीख को मैडम ने चांटा मारा और चांटा अध्यापक इतना क्रूर नहीं है कि एक चांटा इतनी कसके मारे कि उसकी आंख चली जाए। मानवीय संवेदना को ध्यान रखा जाए तो इस तरह का आरोप लगने के बाद मुकदमा कायम होना, और आप शिक्षक समुदाय आज जिलाधिकारी से मिले, जिलाधिकारी ने आपको क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय ने ये कहा कि जो आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से ये कहा कि मैं इसके पूर्व 2 CO साहब, तत्कालीन CO ने जाँच की है, उसमें हमारी शिक्षिका आरती गुप्ता निर्दोष साबित हो रही है और दो बार जो मेडिकल जांच हो चुकी है उसमें भी शिक्षिका निर्दोष साबित हुई है। बार बार निरंतर इसी प्रकार शिक्षकों का शोषण फर्जी शिकायत के माध्यम से यदि होगा तो शिक्षक नौकरी करना दूभर हो जाएगा। आज ये शिक्षिका, ये महिला शिक्षिका की झूठी शिकायत कर रही है, प्रकार अब अखबारों में इस प्रकार छप रहा है कि हर पूरे जनपद में, हर गाँव में, हर अभिभावक हमारे शिक्षकों को नौकरी नहीं करने देगा और रोज झूठी शिकायत करके शिक्षकों से हफ्ता वसूली करेगा। जहाँ निर्दोष शिक्षिका के लिए लामबंद हैं सभी महिला शिक्षिका और पुरुष शिक्षक, तो वहीं आपके लिए कोई प्रश्न नहीं है कि अगर महिला निर्दोष पाई जाए और साथ में जिसने आरोप लगाया वो दोषी पाया जाए, इस पर अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे? ऐसा कोई प्रश्न आपने अधिकारियों के समक्ष किया क्या? अभी तो उन्होंने ये नहीं कुछ कहा, उन्होंने कहा हम कार्रवाई अभी तो हम चेक करेंगे फिर और फिर जाँच करेंगे, जो भी आरोपी पाया जाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी पहले जो टीचर की अभी आज आई थी वो मैडम, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि उनको डॉक्टर के यहाँ भेजना पड़ा, वो यहाँ पर नहीं आ पाई हैं। हमें तो एक हफ्ते, हम लोग इतना मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं कि हमें लग रहा है पहले तो हम लोग बचाएं। कौन से पद पर हैं? वह सहायक अध्यापक हैं। आप वहाँ के प्रधान अध्यापक हैं, क्या है घटना जी? मैं उस विद्यालय का प्रधान अध्यापक हूँ, देशभक्त चतुर्वेदी मेरा नाम है। एक्चुअल में उस बच्ची को मारा ही नहीं गया है स्कूल में, फर्जी शिकायत केवल पैसे ऐंठने के लिए। मनीष शुक्ला एक स्थानीय पत्रकार है, वो इसके पीछे चल रहा है जी। समाचार पत्र का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको बता दें 2.5 साल से हमारा विद्यालय इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय DC रोड तालबेट का ब्लॉक का नंबर 1 का विद्यालय है। पहले तो हमारी प्राथमिकता है कि हमारी जो महिला टीचर है, जो हमारी शिक्षिका है, वो इतने मानसिक अवसाद में है कि उसको न्याय मिल जाए, उसके बाद फिर महिला के उस शिकायतकर्ता के खिलाफ। अभिभावक लगातार 5-6 दिन से धरने पर रही और आपके शिक्षिका के विरुद्ध उसने अपनी कार्यप्रणाली जारी रखी, लेकिन आपके पास जो जानकारी थी उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर पाए।
उसके खिलाफ हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, महिला के खिलाफ, अपने विभागीय अधिकारियों के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास। बचाने के लिए लामबंद हुए जी, उस दिन आप शिक्षा को सुरक्षित करने के लिए लामबंद क्यों नहीं हुए? उस टाइम पे हमने अपने विभागीय अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों से के पास जाकर के अपना पक्ष रखा था पूरा। अपनी पूरी जांच रिपोर्टें प्रशासनिक अधिकारियों के पास रखी थी और उस महिला पर झूठी शिकायत करने के लिए FIR दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन उस टाइम प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारी एक बात नहीं सुनी थी। महिला अध्यापक के साथ जो घटना चल रही है, इसमें आप क्या बोलेंगे? जी, मैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ से संतोष सिद्दीकी। बात यह है कि सर, काफ़ी दिनों से ये प्रकरण चल रहा, विभाग के लोगों को भी बताया और आज जो देशभक्त चतुर्वेदी हैं उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो चूंकि ये है कि मैडम के खिलाफ अभिभावक जो एक्शन ले रहे हैं, सर इसी तरह से एक्शन अगर महिलाओं के खिलाफ टीचर के लिए लिया जाएगा तो किस तरह से पढ़ाना संभव है? इस तरह एक तरफ तो मातृत्व की बात करते हैं, टीचर अपना पूरा मातृत्व तो दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन अभिभावक इस तरह से पैसा वसूली और ये धंधा बना लिया। वही मैंने जिलाधिकारी महोदय को ये बताया कि जो भी पत्रकार हमारे विद्यालय में आते हैं उनकी एक लिस्ट दीजिए सर हम लोगों को, जिससे पता चले कि वो अगर ऑथराइज्ड हैं तो वो हमसे मांगेंगे, वो भी डायरेक्टली नहीं मांगेंगे, BSE की सूचना होगी तब वो मांगेंगे और हम उसको देंगे, और देन अगर कोई पत्रकार आएगा तो हम उनको देने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगे जी। नारी सशक्तिकरण तभी पॉसिबल होगा सर, सर जेंट्स का साथ देंगे। आज जेंट्स हमारे साथ खड़ा हो गया तो नारी एक ताकत बन के उभरी है, नहीं तो अगर वो अकेली होती तो उसको दबा लिया जाता और श्योरली उसको दबा ही जा रहा है। तो यही बात आगे बढ़ाने के लिए कि जिलाधिकारी महोदय को ये बात बताई जाए, BSE सर को भी बताइए कि इस प्रकरण में जो बिल्कुल निराधार है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, उस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है सर। जिस तरह के आरोप पिछले कई समय से लगते आ रहे हैं शिक्षक पर, शिक्षिकाओं पर जी, तो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं में आप लोग कहीं नहीं, सरकारी योजना में टीचर हर एक कदम से कदम मिला के चलता है, कोई भी सरकारी योजना चले टीचर के बिना वो संभव ही नहीं है सर। इतने समय से जी मामला चल रहा था, आप लोग एकत्र नहीं हुए? नहीं, मुकदमा के बाद एकत्र सर। देखिए, हमारा जो शिक्षा विभाग का जो मुखिया है वो BSE सर है, उसको पहले हम लोग अवगत कराते हैं। जब वो ये बोलता है कि उसके आगे बात बढ़ चुकी है, मुखिया को भी तो कटघरे में लिया गया जी। मुखिया को कटघरे में इसलिए किया गया कि अभिभावक संघ, अभिभावक मिलके बहुत सारे लोग हैं, नहीं संघ ने तो साथ दिया है सर, लेकिन जो अभिभावक हैं वो धरने पे बैठ गए, बच्ची को ऐसा, जबकि रिपोर्ट आई है नेगेटिव। पूरी तरह से जानकारियों का अभाव और सोशल मीडिया का सक्रिय होना, वो महिला वहाँ धरने में बैठ गई, आप एक हफ्ते तक कंटिन्यू अपने बारे में निकाल रहे, आपने जाँच की अपने बारे में, वो क्यों बैठी है? इतना दिन हो गया पूछा, आप वो तो अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात मान ली, डेली एक हफ्ते हो गए हम टीचरों के खिलाफ पेपर में निकल रहा है, टीचर के पक्ष जानना चाहा आपने, ये बताइए आप पत्रकार, मैं पत्रकार हूँ, ये जवाब चाहती हूँ। ये बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि जिस तरह महिला धरने पर बैठी, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अभिव्यक्ति, नहीं अभिव्यक्ति का, लेकिन उसके बाद जब उसने अपनी बात रखी, आप लोगों ने बात रखने में पीछे क्यों रहे? हम लोग पीछे नहीं रहे, हमारे पास क्लीन चिट है, मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट है, बावजूद भी मुकदमा लिखा गया, प्रशासन आपको कितना हमें रोक रहा है, हमारा जो ये है हमें रोक रहा वहाँ धरने पे बैठने पे, नहीं तो हम कब के वहाँ धरने के बैठ गए? पुलिस प्रशासन कदापि सहयोग नहीं कर रहा है। कारण क्या है? कारण कागजों का अभाव है कि आप लोग कागज पूरे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि मैं तीसरी बार अलग से जांच कराऊंगा। जब दो CO साहब, दो पूर्व तत्कालीन CO जांच कर चुके हैं, दो बार मेडिकल जांच हो चुकी है, तो अलग से जांच का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन CO साहब कह रहे हैं मैं अलग से जांच कराऊंगा। अब वो जांच कब होती है? महीनों में होती है, तब तक FIR मैडम की चलती रहेगी हमारी शिक्षिका के विरुद्ध। कुछ भी हो, कहते हैं कि कानून अंधा होता है, ये फिल्म और धारावाहों का डायलॉग है, लेकिन ललितपुर में जिस तरह से जो प्रकरण चल रहा है उसको लेकर इस सिनेमा और धारावाहिक जगत का कानून अंधा है कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षकों का अपना कहना है कि हमारे पास पूरे कागज मौजूद हैं, शिक्षा पूरी तरह से निराधार है, कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। तो वहीं महिला अभिभावक जो ममता पत्नी मोजी जो तालवेट के अंतर्गत आती है, उसने अपना धरना प्रदर्शन किया, अपनी बात रखी, उसकी बात आवाज़ बुलंद होते हुए न्यायालय तक पहुंची और मुकदमा कायम हो गया। तो इस सभी प्रकरण में कहीं ना कहीं इस बात को माना जा रहा है और देखा जा रहा है कि शिक्षक संघ, जो अनेक प्रकार के जनपद में संगठन चल रहे हैं, अलग अलग गुटों में चल रहे हैं, इनका कहीं एक मत हो जाना इस बात का, समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन महिला अभिभावक अपने कार्य को करती रही और शिक्षक संघ कहीं ना कहीं अपने आप को मौन बनाए बैठे रहे। आज उनका मौन बखर हुआ है, अन्यथा उनको न्याय मिलेगा, ऐसी सोच संगठन बना चुके हैं, और इसके लिए आज वो जिलाधिकारी से मिले। ललितपुर लाइव TV ने इस प्रकरण को बड़ी संहिता से लिया और बड़े संज्ञान में लेते हुए उस खबर को अनवरत चलाया और
सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया। अंततः प्रशासन ने संज्ञान में लिया और इस खबर को जानते हुए भी प्रकरण को पूरी तरह से लिया जा रहा है। यह प्रकरण शून्य हो इसका पूरी तरह से शिक्षक संघ लगा हुआ है। और बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी से, जिलाधिकारी का क्या कहना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.